अहल हदीस और अहल फ़िक़ा सब मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत अली ने अपने ज़माना खिलाफत में तीनों जंगों में हक था, हक उनके साथ था। बाकी सबसे गलती हुई है, कुछ कहते हैं गलती इत्तेहादी है, कुछ कहते हैं जानबूझकर उन्होंने गुनाह किए। हज़रत अली के मुखालिफीन को किसी ने हक पर, हत्ता के उमर मोमिनीन और उनके साथियों को भी कहते हैं जो भी सतह पर, हक तो हज़रत अली के साथ। और ये रसूलल्लाह की बेटा अपनी पेशगोइयाँ थी। हज़रत ऐसा रजन के लिए आप हदीस और हवा पढ़ रहे हैं कि जब बीवियाँ बैठी थी आपने और बस तुमने से कौन है जिस पर हवा कुत्ते भौंके, नाराज़गी के लहजा में फरमाया। तो जब मक्का से निकले कुत्ते भौंके तो उन्होंने पूछा, उसको बताया सार माँ ने, फिर उन्होंने कहा ऊँट बता और कहा अल्लाह की कसम अल्लाह पर जा रहा। बिल्कुल नेक बात, लौट आना चाहिए था, अल्लामा लोने कहते हैं निकलना ही नहीं चाहिए था, निकली थी तो कुत्तों के भौंकने की बात याद है, लौटना मगर हाजिर तो बैर आ गया बैनवाई से कि आप कौन सा जंग के लिए जा रही हैं, चलें आपकी वजह से सुबह हो जाएगी, ऐसी ऐसी बातें करके हम देखें कितने और ये जो उनका तकवार दीनदारी है कि वो सारी उम्र रोकती हुई और हमेशा में कटनी मुझसे ये रखी हुई। वफात के वक्त बेटा फरमाया कि मैं चाहती थी हजूर के पास दफन हूँ मगर अहदस के बाद अहदस आपके बाद मैंने एक गलत काम किया, शर्मिंदा मेरी दूसरी बीवी के साथ ही दफन कर देना। इब्ने उमर से कहती थी तुमने मुझे क्यों ना रोका, आप तो बताते नहीं तोबा ये पहला ग्रोह यही सीनों से मैं कहता हूँ कि यार आदम अलैहिस्सलाम नबी से ब्रेक सुना था करीब ना तो गए ही नहीं, साहिब ने नबूवत थे वो, तो उसकी वजह हम बुरा कहते रहे। हम इनसे अगर गलती हुई तो चूँकि बहुत इनकी नेकियाँ थी पहले मुसलमान से, इनकी तोबा साबित है। बैर मैदान छोड़ गया सुनकर अगर गलती रही और अगर तला ने उठने का इरादा किया तो खुद मरवान ने तीर मारा, उनकी फौज में तैयार ने कहा ये तो सारे जा रहे हैं खेल ख़राब हो रहा है, जो अली से हम लड़वाना चाहते तो उसकी काम ख़राब हो जाए। हज़रत तला का कातिल भी यही इमाम दहबी लिखने के इसी पर बस कर देता, फिर भी खैर थी बाद में जैसे ना लैक ने बुरे ही काम किए सर मरवान ने। तो असहाबुल जमल का मामला होता कि गलती हमसे ज़रूर हुई मगर उनकी पहली देखियाँ काम आ गई, वो सब गायब होकर गए। हज़रत मुआविया ग्रोह से थी इन्होंने नहीं तौबा की, ना ये नादम हुए बाहर में पढ़ाए कुरान खड़े कर दिए, वो भी नीयत नेक से नहीं, वक़्त आ गए बाद में सालफीन में बेटा क्या किया, फैसला कुछ किया आकर ईरान और ही कर दिया।